उन्होंने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ, जय श्री राम नारे, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं बोलेंगे, ये नारा हमारे मना है। इन्हीं के दो बैट छीने और हुक्म लगा दिए और मारना शुरू किया था, बोलो जय श्री राम। आदाब, पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आप मेरे पीछे कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे। जी हाँ, सुबह आंख भी नहीं खुली है, आप लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया होगा कि मॉब लिंचिंग की एक खबर हम लोगों के सामने आ रही है। ये खबर सोशल मीडिया पर कल रात से तैर रही है पर कहीं कोई इस खबर पर बात करने वाला नहीं है। और खबर ये है कि मदरसे के बच्चों को अब कुछ भगवा गुंडों ने अपना शिकार बना लिया है। तो चलिए देखते हैं कहां का ये मामला है, सोशल मीडिया पर रात से तैर रहा है। उन्नाव में तबरेज अंसारी की ही तरह घटना को अंजाम दिया गया है। एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। आज जीआईसी मैदान में जामा मस्जिद दारुल उलूम मदरसे के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तभी कुछ बजरंग दल के लोगों ने बच्चों से जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाने को कहा। बच्चों ने मना करने पर लोगों ने करीब चार बच्चों के पकड़कर बैट, बल्ले और पत्थरों से बहुत ही बेरहमी से मारा है, जिसमें से एक बच्चे का हाथ टूट गया है, सिर फट गया है और दो बच्चों के मुंह से खून निकलने लगा, जिसके बाद परिजन पहुंचे। ये खबर शाकिल रंगरेज ने 10 घंटे पहले सोशल मीडिया पर डाली थी। सबसे पहले इस खबर को डालने वाले यही थे और उसके बाद लगातार इन खबरों का तांता सोशल मीडिया पर लग जाता है। AIMIM के युवा नेता उत्तर प्रदेश से साजिश हशमत इस खबर के बारे में लिखते हैं, उन्नाव उत्तर प्रदेश में मैदान में खेल रहे मदरसे के बच्चों के साथ कुछ युवकों ने मारपीट और जबरन लगवाए जय श्री राम के नारे। इस मारपीट में कई बच्चे घायल हुए हैं। हुसैनी सेना के कार्यकर्ता सहीम खान और उनके साथी और क्षेत्रीय लोग मौके पर पहुंचे। भारी हंगामा करने के बाद FIR दर्ज, प्रशासन ने गिरफ्तारी के लिए 2 घंटे मांगे। और इसी के बाद अब्दुल समद लिखते हैं, अभी अभी ये खबर उन्नाव से आई है कि मदरसा फैजुल उलूम उन्नाव के बच्चे जुमेरात की छुट्टी पर मदरसे के पास मैदान में खेल रहे थे, उसी दौरान बजरंग दल के लोग आते हैं, देखते हैं कि बच्चों के सर पर टोपी है और अपना वही जो ये लोग नंगा नाच करते हुए आ रहे हैं, टोपी दाढ़ी देख करके अब तो कुर्ता पजामा देख करके निशाना बनाने लगे हैं। इन बच्चों की तस्वीरें देखेंगे तो डरे सहमे ये बच्चे हैं। क्या दोष था इनका, क्या अब इस देश में मुस्लिम बच्चों को, क्या मदरसे के बच्चों को खेलने का भी हक नहीं है? अगर खेलेंगे तो भगवा गुंडे आ जाएंगे और किस तरीके से मारपीट करेंगे वो आपके सामने है। ये बच्चा बेहोश है, सर पे पट्टी बंधी हुई है, हाथ पूरी तरह से टूटा हुआ है। डर इन बच्चों के चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। कुर्ता पजामा पहने बच्चे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए हैं, कुछ पुलिस वाले इनके साथ वहां मौजूद हैं। ये हालत देश के हो चुके हैं कि अब आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है। गौर करने वाली बात है, दो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। एक बच्चे के चेहरे पर डर का भाव आप देख सकते हैं, पहले उस वीडियो पर नजर डालिए और जिस तरह मदरसे के इंतजामिया ने
वहां पुलिस के साथ बैठ करके सूझबूझ तरीके से काम को अंजाम देने के लिए कहा। वो भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, एक बार उस पर भी नजर डालिए। ऊपर देखो बेटा क्या हुआ था, खड़े हो पा रहे हो? वही चीज बताओ जो बताया मौसम जो भी हुआ है। क्या हुआ था बताओ वहाँ पे? हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे हाँ। और पहले तो आते साथ डंडा लिए थे और अचानक पकड़ा और हाथ उस पे मारने लगे, और जब हम लोग से कहा श्री राम का नारा लगाओ, जब नहीं लगा रहे थे तो और मारा। उसके बाद जब हम लोग भागने लगे तो अद्धा घुमा चलाने लगे। कोई मूवी बनाई क्या उन लोगों ने? जी नहीं पता नहीं। कितने लोग थे? चार लोग। और किसका सर किसका फटा है? कहाँ थे अब्दुल वारिस? क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ? हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे सब लोग, वो लोग आए और आते ही वो लोग जो है डंडे से मारने लगे, कहने लगे जय श्री राम का नारा लगाओ। हमने नारा नहीं लगाया तो और मारा उन्होंने। फिर जो है हम भागने लगे, भागते हुए डंडों से मारा, भागते भागते में उन्होंने अधे चला दिए, अधे चलाए तो हमारा सर फट गया। ये देखिए सर फटा हुआ है पैसे वैसे भी छीन लिए और पैसे वैसे भी चोरी कर लिए। सर फटा है ये कहाँ का, किस जगह का है मामला? ये जीआईसी ग्राउंड का। जीआईसी ग्राउंड उन्नाव में जी। साइकिल में मतलब पत्थर से सब लोग जामा मस्जिद के ही बच्चे हो यहाँ के, इमामत करते हो जी, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बड़े बड़े, और उन्होंने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ, कि कैसे बड़ मारे। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं बोलेंगे, ये नारा हमारे मना है। इन्हीं के दो बैट छीने और दो स्टंप लगाते हैं और मारना शुरू किया था, बोलो जय श्री राम नहीं बोलेंगे, और मारना शुरू किया, भागे तो फिर उन्होंने जानलेवा हमला किया और पत्थर मारे, जिसमें से एक लड़का मथुरा का है, उसका सर फटा है, उसके 10-12 बैट भी बदन में छपे हैं। एक लड़का कानपुर का है, उसका पैर जख्मी है। एक लड़का हाथ नगर का हारून है, उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ है। एक लड़का काकनगर का हिदायतुल्ला है, उसे चोट लगी और उसकी साइकिल तोड़ दी। और तकरीबन हर लड़के का कुर्ता फाड़ा और जिसकी जेब में जो मिला 6-7 हजार हो सकते हैं, ये छीने। और इस तरह की उन्होंने कोशिश की। क्या मानते हैं पुरानी रंजिश है क्या? ये मजहबी जुनून है। आइए देखिए पेंशन क्या है हमारा, अभी तो विद्वान साहब हमारे आप के नाम है, जो की चार्ज है आपके सामने, जो कानूनी प्रक्रिया है वो की जा रही है, FIR की जा रही है। लेकिन प्रशासन को हमें नाम और चेहरे सब सौंप दिए हैं, तीन आदमी की शहादत पर दिए चार्ज। कल हमारा जुमा है, अगर कल जुमा तक मेरी तारीफ नहीं हुई तो फिर हम और जो एक्शन अभी कहीं नहीं हुआ होगा वो होगा, क्योंकि उन्नाव में अमन शांति बनाने के लिए पूरी कोशिश की गई और हमारे जिले में अल्हम्दुलिल्लाह प्रशासन ने और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होने दिया। किसी के साथ आदमी ने खराब किया है, अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ये माहौल न बिगड़ने दे, वरना जुमा है कल कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आपने जो बच्चा है मदरसे का उसको सुना, और मस्जिद के इंतजामिया जो लोग हैं उनके साथ किस तरीके की व्यवहार किया जा रहा है उसको देखा। शक के आधार पर अब दाढ़ी टोपी और कुर्ता पजामा के नाम पर मुस्लिम बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। महज 15-16 साल की उम्र के ये बच्चे होंगे जिन्हें ये भगवादारी गुंडे भीड़ की झुंड में आ रहे हैं और इन्हें नोच डालना चाहते हैं, क्योंकि इनके सर पर टोपी है। और इस खबर के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं की जा रही है, इस खबर के बारे में कहीं भी बताया नहीं जा रहा है। और खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आ रही है और उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सांसद हैं साक्षी महाराज। अगर ये खबर आएगी तो उनके ऊपर उंगलियां उठेंगी कि महाराज आपके राम राज्य में ये चल क्या रहा है। साक्षी महाराज पर उंगलियां ना खड़ी हो, सवाल ना पूछे जाए, प्रशासन के ऊपर उंगलियां ना उठे, योगी राम राज्य में सवाल ना पूछे जाए, जहां योगी आदित्यनाथ
दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने प्रदेश से गुंडा राज एकदम से खत्म कर दिया है। ये कैसा गुंडा राज योगी आदित्यनाथ ने खत्म किया है, ये समझने वाली बात है। जहां अब 15-16 साल के मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, ये उन्हें भी नोच डालना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके सर पर टोपी है, उनके मुंह पर दाढ़ी है। अगर दाढ़ी और टोपी नहीं है तो कुर्ता पजामा के आधार पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। आखिरकार ये कौन सा न्यू इंडिया, नया भारत भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, इसके बारे में वही बता सकते हैं। पर इन खबरों का सामने आना बहुत जरूरी है क्योंकि इन खबरों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, इन खबरों का गला कहीं ना कहीं घोटा जा रहा है। पर भले ही वो लोग इन खबरों को आप लोगों से छुपाते रहें, हम हर खबर की जड़ तक आपको यूं ही लेकर जाते रहेंगे। शुक्रिया।